हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप OH से युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बताया था। आज के वीडियो में फंक्शनल ग्रुप CHO जिसे एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है से युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बताने जा रहे हैं आपको। मैंने 9 एग्जांपल लिया हुआ है और इन्हीं का नामकरण आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था सीरीज लेते हैं। सीरीज तो सीधी सीधी दिख रही है, सीधी सीरीज है। आप काउंटिंग कर लेते हैं तो काउंटिंग आज करेंगे 1 और 2, तो कितने कार्बन हैं आपके? 2 कार्बन हैं। तो हमने बताया था कि प्रीफिक्स आपका क्या होगा, प्रीफिक्स आपका होगा एथेन, मतलब एथेन आप लिख सकते हैं, एथेनल, एथेन, ए एथे, एथेन आपका हो गया हिंदी में, एथेन नल क्या हो गया, एथेनल हो गया। तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए एथेन, ETHA एन एथेन, इसमें अल जुड़ रहा है, अल क्या जुड़ेगा, सफिक्स क्या जो है आपका ऐड क्या होगा, सफिक्स आपका ऐड होगा सफिक्स ALL, क्योंकि ये एल्कोहल में क्या लिखा था हमने, OL, ऑल, OH में क्या लिखा था एल्कोहल में, OH, OL, ऑल, और इसमें सफिक्स क्या होगा, AL, अल, इसको अल पढ़ा जाएगा, तो एथेनल, ये क्या हो गया, एथेन नल हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेनल, क्या लिख सकते हैं, प्रो पेन पर लिख लीजिए, फिर AL लगा दीजिए, तो उसको पढ़ेंगे प्रोपे नल। अब यहाँ आप देख लीजिए काउंटिंग 1, 2, 3, 4 काउंटिंग की गई है, तो कितने कार्बन, 4 है, तो इसको लिखा जाएगा ब्यूट, BUT, ब्यूट। अब जो देखिए यहाँ पे एल्किन ग्रुप है, ये नंबर पे 2 नंबर पर हाइफन लगा के 2, फिर हाइफन, उसके बाद क्या लगाएंगे, इन, सफिक्स क्या लगाएंगे, इन, उसके बाद 1 नंबर पर क्या है हमारे, 1 नंबर पर एल्डिहाइड है, तो हम 1 हाइफन, और उसके बाद इसका सफिक्स क्या होगा, अल, AL, AL, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका देखिए यहाँ पे काउंटिंग 1, 2, 3, 4, अब देखिए आया साइड चेन 3 नंबर पे, तो पहले साइड चेन का नाम लिख लीजिए 3-hydroxy, OH का मतलब हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन तो आपको लिखना पड़ेगा ब्यूटेन लिख लीजिए, फिर उसके बाद 1 नंबर CHO तो 1 अल अलग आता, मतलब ब्यूटेन नल वन भी इसको पढ़ा जाता है, ब्यूटेन नल 1 या ब्यूटेन-1-अल। अब यहाँ देख लीजिए 1, 2 कार्बन है, अब देखिए Cl3 कितनी बार है यहाँ पे, देखिए यहाँ जो दूसरे कार्बन पे जो Cl3 वो 3 बार है, मतलब 3 अणु हैं Cl के, तो अब कितनी बार कैसे लिखा जाएगा इसको, 2, 2, 2, 3 बार है, 3 लिख देंगे, उसके बाद 3 का मतलब क्या होता है, ट्राई, आप ट्राई लिख देंगे, उसके बाद Cl का मतलब क्लोरो, आपने क्लोरो लिख दिया, उसके बाद 2 कार्बन है तो आप लिखेंगे एथेन, हाइफन लगा के एथेन, उसके बाद 1 नंबर पे है तो 1-अल, एथेनल 1, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, अब देखिए ट्वाइस है तो 4 तो 2 बार है, तो 1 साइड चेन के रूप में ले लेंगे, 4 कार्बन 1 साइड चेन में ले लेंगे, 3 नंबर समझ लेंगे साइड चेन है, सीधी कर लेंगे, तो एक ये CH3 सीधे हो गया, 1 साइड चेन हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो हमारा CH3 होल ट्वाइस हो जाएगा। तब इसका कैसे नामकरण करेंगे, तो 3 नंबर पे हम लेंगे मेथिल, 3 नंबर पे एक रखेंगे जब ऐड करेंगे तो 3-methyl लिखा जाएगा, मेथिल, 3-methyl हो गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो उसके बाद हम लिख देंगे ब्यूटेन पहले लिख देंगे, उसके बाद 1-अल, ब्यूटेन-1 हो गया। यहाँ से काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 3 नंबर पे क्या CH3 है, ये CH से कोई मतलब नहीं है, CH यहाँ S से कोई मतलब नहीं है, अब CH भी यहाँ लिख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है वो, तो 3 नंबर पे मेथिल है, 3-methyl आप लिख दिया हाइफन लगा कर, 3-methyl, उसके बाद 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन, आप ब्यूटेन लिख दीजिए, उसके बाद 1-अल, ब्यूटेन क्यों आपने लिखा, क्योंकि ये किस ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का है, तो एल्किन ग्रुप का है तो सफिक्स क्या होगा, सफिक्स N होगा, तो ब्यूटेन -1-अल। उसके बाद देखिए यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए सब, इसलिए इधर से काउंटिंग करें, CHO इधर ही से पास है, तो 1, 2, 3, 4 तो बहुत ही आसान है, तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2 नंबर पे कितनी बार आया, CH3 दो बार आया, तो आप लिखेंगे 2, 2, आपको बता चुके हैं, फिर उसके बाद हाइफन डाई, फिर उसका साइड चेन का नाम मेथिल हो जाएगा, मेथिल, फिर 1, 2, 3, 4 तो 4 है, तो आप 5 है, तो आप 5 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, पेंटेन, फिर उसके बाद 1-अल, पेंटेन-1, ठीक है, पेंटेन-1, 1, 2, 3, 4, अब देखिए 5 नंबर पे क्लोरीन है और 3 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो पहले क्लोरीन को लिखेंगे, बताए थे अल्फाबेटिकल,
फाइव हाइफन क्लोरो, उसके बाद हाइफन थ्री हाइड्रोक्सी एच वाई डी आर ओ एक्स हाइड्रोक्सी सिक्स है तो कितना हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन लिखा जाएगा, हेक्सेन हो गया, उसके बाद वन, उसके बाद अल। तो जो सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ हर हर कंपाउंड में वो एक ही नंबर पे है, तो इसीलिए आप वन लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते, मतलब हेक्सेन नल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पेंटेन नल पढ़ सकते हैं, ब्यूटेन नल पढ़ सकते हैं, एथेन नल पढ़ सकते हैं, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि हाइफन लगा वन लिखें, क्योंकि एक ही नंबर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो नंबर पर होता लिखना ज़रूरी होता है, एक नंबर पर तो लिखे जाए ना लिखे, जैसे हमने पहले दूसरे में नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड ग्रुप के से युक्त कार्बनिक यौगिकों का आप नियम के अनुसार आईपीएससी नामकरण कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।